पनावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन बटन को पाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट को। नाउ सीरवा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। बाड़मेर थनाव कठिन परिस्थितियों से गुजरकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा हासिल की तथा समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यह विचार सीरवा में स्थित खान मोहम्मद शिक्षण संस्थान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर बाड़मेर जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल ने व्यक्त किए। उन्होंने महिलाओं को समाज के विकास में भागीदारी निभाने की बात कही। चौहटन विधायक तरुण राय कागा ने कहा कि अमन और अमान को बनाए रखने में प्रत्येक समुदाय लोग भागीदारी निभाए, वर्तमान समय में हिम्मतवान बने तथा साहसिक कार्य करें। बामसेफ के प्रदेशाध्यक्ष मघाराम हाथला ने कहा कि सकारात्मकता का माहौल बनाए तथा सरल व शांतभाषी बने। उन्होंने नौजवानों को गुमराह होने से बचने की बात कही। सेलवा प्रधान पद्माराम मेघवाल ने कहा कि 2 अप्रैल को घटना के बाद सरकार द्वारा एक तरफा कार्यवाही करना निंदनीय है। जाति पूछकर गिरफ्तार करना सब रासर गलत है। उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया के सदुपयोग उपयोग करने व अफवाहों से बचने की बात कही। कार्यक्रम को JNVU जोधपुर के प्रोफेसर डॉक्टर एमआर गढ़वीर चौहटन ने BEO युवराज कागा निकताराम भी करार और प्रधान तेजाराम कोटेचा वक्ताराम भी ब्लॉक अध्यक्ष रहीम खान दर्श RAS रामचंद्र गढ़वीर BMP के प्रदेशाध्यक्ष मोतीराम मेंसा नरसिंगाराम सूद्रा ने भी संबोधित किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष भागुराम मेघवाल ने स्वागत भाषण दिया तथा संचालन विजय कुमार ने किया। इस अवसर पर पुरखाराम बिश्नोई कायम खान टोवीराम परमार नायब तहसीलदार राकेश बन्नू सद्दाम हुसैन खमुराम मेघवाल हाकम बिसासर हासिम खान सिन्हार पर अव उप सरपंच कम्बीर खान छगनलाल सांगाराम सैजू सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धनाव से पनावड़ा टीवी के लिए संजय जैन की रिपोर्ट। अप्रैल को लेकिन हमारे कोई नेता नहीं बोले, इसका कारण ये है कि जो नेता लोग हैं वो उनकी पार्टियों में हाँ मिलाते हैं, वो जो कहते हैं वित्ता करते हैं, उन नेताओं को आपके बहुजन समाज के हक अधिकारों से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए इस देश की व्यवस्था को अगर सुधारना चाहते हैं, इस देश के बहुजन समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 1944 में कहा था कि जाओ और अपने घर की दीवारों पे लिखो कि आपको इस देश की शासन करती जमात बनना है, अगर होती है उसके घर में बहन बेटियां सुरक्षित होती है, आपकी सत्ता नहीं है, आपका शासन नहीं है, इसलिए डेल्टा मारी जा रही है, नंद देवी मारी जा रही है और हमारे साथ में दिनों दिन घोर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। आप लोग इस देश में राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण आयोजक मंडल का धन्यवाद। जय भीम जय भारत जय सुंदर।